पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव से थोड़े कटे कटे से थोड़े दूर दूर से दिखाई पड़ रहे हैं। अब उन्होंने औपचारिक तौर पर हरियाणा के चुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली है और पहली रैली उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में की है। प्रधानमंत्री की इस रैली में उम्मीद से कम भीड़ जुटी, इसकी वजह से कई तरीके के कयास लगने शुरू हो गए हैं। क्या यह इस बात का संकेत है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, इसी वजह से प्रधानमंत्री की सभा में भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भीड़ इकट्ठा करने में बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं? तो आखिर उनकी इस रैली का मतलब क्या है? आखिर हरियाणा का ये चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में अपने सघन प्रचार से हरियाणा के चुनाव को बीजेपी के तरफ मोड़ने में कामयाब होंगे या कामयाब नहीं होंगे? इन्हीं मसलों पर करेंगे चर्चा बातचीत। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं जो हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके समझते हैं। हमारे साथ है रविंद्र सिंह सौरान जी, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है जगदीप सिंह सिंधु साहब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, आपसे ये जो प्रधानमंत्री जी की सभा थी, रैली थी, उस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या, आपको क्या लगा देख के? जी नमस्कार सिंधु साहब, आपको भी नमस्कार। सर देखिए, ये जो पहली रैली हुई है, पहले तो सर लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का पहला हरियाणा दौरा है। 10 साल में करीब 65 विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो गए होंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी विधानसभा चुनाव में, जहां इलेक्शन बाउंड स्टेट जो हो, उसमें प्रधानमंत्री महीना, 2 महीना या 3 महीना पहले कोई पॉलिटिकल रैली या कोई सरकारी परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम करने के लिए उस स्टेट में ना जाते। ये पहली बार 10 साल में ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली करने के लिए नहीं आए, और आए हैं तो नॉमिनेशंस फाइल होने के बाद। इसके पहले आज तक 10 बरस में ऐसा नहीं हुआ, तो ये पहली बात। इसका मतलब है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री के इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में पोजिशन वीक है, इसलिए प्रधानमंत्री हार का ठीकरा अपने सिर पे फुकवाना नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से वो हरियाणा में। आज की जो भीड़ थी, जी हाँ बोलिए प्लीज। आज की जो भीड़ थी वो आपने बताया कि काफी कम रही, जिस तरह का आयोजन किया गया था बीजेपी की तरफ से, क्योंकि 3 जो मुख्तलिफ लोकसभा क्षेत्र हैं, 27-28, उनके विधानसभा क्षेत्रों का हिसाब से ये रैली की गई थी। प्रधानमंत्री आ रहे थे तो पूरा अमला जमला भी उसमें लग गया था। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहूँ कि आज जो प्रधानमंत्री का वेलकम किया मुख्यमंत्री ने, तो हरियाणा के लोगों को इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं है कि वो कौन है। मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री है या वो एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है हरियाणा की विधानसभा के भंग होने के बाद राज्यपाल राजभवन से, कि उनका आज की तारीख में क्या कद है, उनका पद कौन सा है। वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री है, तो एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया है, तो कम से कम हरियाणा के लोगों को ये जानने का तो अख्तियार है कि ये सरकार किस तरह की सरकार है, कौन सरकार को चला रहा है, ये सरकार अब किस तरीके से काम कर रही है। प्रधानमंत्री की जो रैली थी उसमें आज बहुत कम लोगों की भीड़ आई, और जिन जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने छेड़ा वो मुद्दे भी बहुत ही सामान्य मुद्दे थे, हरियाणा की जनता से जुड़े मुद्दे नहीं थे। हरियाणा की जनता जिन सवालों के जवाब जानना चाहती थी, वो सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 बरस तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनकी तस्वीर गायब थी, उनका फोटो नहीं था, और वो खुद भी इस रैली का हिस्सा नहीं बने, जबकि वो करनाल लोकसभा क्षेत्र के ही सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने जो केवल 100 किलोमीटर दूर, हरियाणा की जनता ये जरूर सुनना चाहती थी कि केवल 100 किलोमीटर दूर आज की रैली स्थल से जो लड़की चुनाव लड़ रही है, विनेश फोगाट, उसके बारे में, उसके ऊपर हुए अन्याय के बारे में प्रधानमंत्री कम से कम एक बयान तो देंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री एक बयान देने में भी कामयाब नहीं रहे। उन्होंने वही बातें दोहराई जो पहले दूसरे नेता भी बोलते रहे। हुड्डा के बारे में उन्होंने कहा, लोपसाइडेड डेवलपमेंट की बात जो पिछले 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के भीतर की धड़ेबंदी, जो मुख्य मुद्दे थे हरियाणा की जनता का, जो रोजगार का मुद्दा था, अग्निपथ का मुद्दा था, NOC के मुद्दे थे, प्रॉपर्टी ID, जो डिफरेंट स्कीम्स लेके आई थी सरकार, उनमें से किसी भी स्कीम के बारे में, किसी भी मुद्दे के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उम्मीद इस तरह की नहीं होगी हरियाणा के लोगों को, उनको उम्मीद PM इन इश्यूज को जरूर एड्रेस करेंगे और एक एजेंडा देंगे, एक विजन रखेंगे। और एक बात और कही उन्होंने, आखिरी बात बोल के मैं खत्म करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो लगन है और इनका जो विजन है वो बड़े बड़ों से भी बड़ा है। तो हरियाणा में इतने बड़े तो 2 ही लोग हैं, या खट्टर साहब हैं या फिर रविंद्रजीत सिंह है, तो उन दोनों से भी बड़ा नेता बनाने की उन्होंने कोशिश की, कि सबसे बड़े नेता कोई अगर आज हरियाणा में है तो वो नायब सिंह सैनी।
जी सर। बट रविंद्र जी, मैं जगदीप सिंह के पास जाऊं उसके पहले एक और सवाल आपसे। ये उदासीनता जो लोगों की दिखाई पड़ी, जैसा कि आपने कहा कि भीड़ बहुत कम इकट्ठा हुई, उसके पीछे का कारण आप क्या समझते, क्या वजह रही होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर एक आकर्षण है। अभी प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है, हर राज्य के अंदर जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं उसके पहले जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां उनके पास अतिरिक्त वोट होता है, तो उनकी सभा में अक्सर भीड़ देखी जाती है। आपको क्या लगा, लोग क्यों नहीं आए, किस वजह से नहीं आए? एक तो ये बात अब नहीं रही है कि उनका बहुत ज्यादा आकर्षण हरियाणा में बचा है, और एक बात। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी को बहुत पॉपुलर पार्टी नहीं बच गई है। बीजेपी ने 5 सीटें जरूर जीती, लेकिन उतनी ही संख्या में कांग्रेस पार्टी ने भी जीती। 5 सीटें भी अगर बीजेपी ने जीती तो 5 हारी भी है। तो बीजेपी को बहुत पॉपुलर पार्टी हो, और एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा इशू है सर। एंटी इनकम्बेंसी और पुअर गवर्नेंस, इन दो मुद्दों पर इस बार हरियाणा का इलेक्शन है। इशू बेस्ड बाईपोलर इलेक्शन है, तो इसलिए प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा क्राउड पुलर के तौर पर नहीं देखे जा सकते, और शायद इस बात के एहसास को बीजेपी को था, इसलिए उन्होंने जो पंडाल था वो पंडाल भी बहुत छोटा लगाया ताकि भीड़ ज्यादा दिखे। उसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि 10,000-15,000 से ज्यादा भीड़ वहां पर आ सके, और उसी तरह का उन्होंने पूरा आयोजन किया था। और एक दूसरी बात, हमको इस बात का जरूर बीजेपी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि बारिश भी बहुत आई और 2-3 बार रैली स्थल को बदलना भी पड़ा। तो एक ये कारण भी उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अपने दर्शकों को समझाना है तो, कि बारिश भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन जनता आई, जो जनता आई उनमें भी उत्साह नहीं था। जो विजुअल्स हम लोगों ने देखे वो बहुत ही निरुत्साहित लोग बैठे थे कि बस पीएम को सुनना है, और पीएम जब बोलना शुरू किए तो वो लोग निकलने भी लग गए। तो कहीं ना कहीं उदासीनता तो है, लोग अब वही बातें सुन सुन के लोग थक गए। विजन कोई सरकार ने दिया नहीं, प्रधानमंत्री ने दिया नहीं कि अगली सरकार अगर आई तो क्या करेगी, जो इश्यूज थे उनको एड्रेस नहीं किया, तो फिर जनता के पास कुछ बचा नहीं सर। वही बातें जो टेलीविजन में सुनते हैं सेम बातें उन्होंने यहाँ पर रिपीट की।